नहीं, कुल मिलाकर देखिए हल निकल जाएगा राजीव जी, जनता हल भी निकल जाएगा, दोबारा पैचअप हो जाएगा, दोबारा फिर एक साथ मिलकर ये लोग चुनाव भी लड़ लेंगे। लेकिन ऐसे में हालात समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता करे तो क्या करे, क्या वो फिर से एक परिवार को चुने जो परिवार बार बार लड़ता रहे सत्ता को लेकर, कुर्सियों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर। देखिए अभी तक भारत के जो मतदाता का रुझान है वो हमेशा भावनात्मक मुद्दों पे, तात्कालिक मुद्दों पे वोट करता है। पुरानी बातें छह महीने पुरानी बातें, मतदाता हमेशा उत्तर प्रदेश का, भारत का, इंडिया का जो है भूल जाता है। तो निश्चित रूप से अभी जो चल रहा है उसे, क्योंकि एक स्थापित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास, विपक्षी पार्टी के पास स्थापित वोट बैंक, और मुझे नहीं लगता। राजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप सैनी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद थे। जिस तरीके का आकलन पत्रकार कर पा रहे हैं, जिस तरीके का आकलन किया जा सकता है, वो आकलन ये है कुल मिलाकर के स्क्रिप्टेड सब कुछ है, सब कुछ एक नाटक खेला जा रहा ताकि सुर्खियां बनी जाए। एक मेल भी लीक हुआ, उस मेल के जरिए भी खुलासा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच जनता परेशान है, जनता कंफ्यूजन है, जनता को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, समाजवादी पार्टी के कलह का ये दौर आखिरकार कब तक चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप समाचार टुडे पर देख पा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी की जो कलह है उस कलह में नए नए पेच लगातार फंसते जा रहे हैं। बाप बेटे के सामने शर्तें रखता है, बेटा बाप के सामने शर्तें रखता है, कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पैचअप होने की तैयारी पूरी इस मामले को लेकर चल रही है। वक्त एक ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर समाचार टुडे की नजर लगातार बनी हुई है।